हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि हम आज अपने कॉलेज जा रहे हैं और हमारे एग्जाम चल रहे हैं, तो दो दिन की छुट्टी थी जिसके लिए हम घर आए हुए थे। तो आज हम फिर कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं बारिश भी हो रही है, तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हम आज बहराइच के लिए निकल रहे हैं और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। और हमारे ये फ्रेंड है गुरजंट सिंह जो हमारे साथ हैं और ये एनसीसी कर रहे हैं। ये आप खुद बताएंगे कि ये एनसीसी के साथ साथ और क्या कर रहे हैं। जी हम एनसीसी कर रहे हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसके साथ हम बीए की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस समय हमारा बीए का फर्स्ट ईयर है और हमारा जो एनसीसी है उसका लास्ट ईयर है। तो ये थोड़ा सा शर्मा गए हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बादल बने हुए, बारिश हो रही है और हमारे मोबाइल के कैमरे पे भी बारिश बूंदे जो हैं गिर रही हैं। तो इसमें हम यहाँ स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और ट्रेन आने वाली है। तो ये मेन पुरवा स्टेशन पीछे आप देख सकते हैं। तो अभी हम टिकट के लिए जा रहे हैं, टिकट लेंगे। तो आपको दिखाते हैं, ऐसे बारिश भी हो रही, बारिश की वजह से हमारा फोन जो है दिखाते हैं पी रहा है। हाँ, हम आपको बताते हैं कि टिकट कैसे लेते हैं। ये हमारे फ्रेंड कह रहे हैं कि आपको दिखाते हैं टिकट कैसे लेते हैं। नहीं, आजकल तो सबको पता है टिकट कैसे लेते हैं। बाकी क्योंकि आजकल 90% लोग ट्रैवल करते रहते हैं, उनको सब पता है। तो अभी हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी तक टिकट काउंटर जो है इधर खुला नहीं है, अभी तक बंद है, अभी टिकट मिल नहीं रही है। तो अभी जब ट्रेन आने वाली होगी तभी टिकट मिलनी शुरू होगी। अब वेट कर लेते हैं, तो तब तक लिए वीडियो कहीं रोकते हैं, फिर आगे दिखाएंगे हम आपको। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਪਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰੈਂਡ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਂ। ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ।
फुटप्रिंट आप देख सकते हैं, जैसे कि फाइनली हम मीनपुरा से बहराइच का ट्रैवल पूरा कर चुके हैं ट्रेन से, और हम इसमें बहराइच स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम कोई ई रिक्शा लेके अपने रूम तक जाएंगे और फिर रूम पे पहुंच के वीडियो बनाएंगे। और आप जैसे आप पीछे देख सकते हैं, अभी बहराइच स्टेशन का भी वर्क चल रहा है। अभी चले ई रिक्शा से, स्वाद ले रहे हैं ई रिक्शा से। विद तोता विद तोता लेग बोलता कि अपने मुंह में मिठू बनी जाता। आज हम आपको बोलने वाला तोता भी दिखाते हैं। साइलेंट मोड, साइलेंट मोड पे लगा, साइलेंट मोड पे है, थोड़ा सा बोल नहीं रहा है। आ भी नहीं बोलेगा, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि बोले पर बोल नहीं रहा। देखिए गुरचरण सिंह जी बुला के देखिए, बोलता है अच्छा। आप देख सकते हैं जैसे कि हम अपने रूम पे पहुंच चुके हैं, और कुछ हमारे फ्रेंड जो है कि रूम छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं, और उन्होंने रूम में इतनी गंदगी फैला रखी है कि अभी हमें आके पूरी सफाई करनी पड़ेगी। हम आपको दिखा सकते हैं अपने रूम को, आप देखिए ये पीछे देखिए कैसे जो कपड़ा या जो जहाँ पे भी फेंक दिया वहीं पे पड़ा हुआ है। तो अब रूम को हमें यहाँ फिर से सही करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तो बीच में किसी की पता नहीं कॉल भी आ रही है कि फ़ोन कर रहा है, तो भी हम बाद में देखेंगे कौन फ़ोन कर रहा है। तो वैसे हम लोगों ने रूम दूसरी जगह ले लिया है, वहाँ पे हम जाके हम लोग शिफ्ट होंगे। तो ये रूम हम लोग वैसे भी यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो ठीक है रूम अगर छोड़ भी रहे हैं फिर भी सफाई करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और आपको बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और अपने कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा यूट्यूब चैनल है गुरु यूट्यूबर, जिसको सब्सक्राइब कर लेना, और पास वाले बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे।